हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की बहुत ही अनोखी रेसिपी। अगर आप इसे कहें तो आप इसे चटनी कह सकते हैं या कोई भी अलग नई रेसिपी कह सकते हैं, क्योंकि ये कुछ लोग इसे चटनी कहेंगे क्योंकि चटनी का ही इसमें सारा सामान डाला है। लेकिन मैं इसे चटनी नहीं कहूँगी क्योंकि ये इतना टेस्टी बना था कि चटनी भी फीकी लग रही थी, मुझे बहुत ही यम्मी बना था। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। मैंने देखिए एक टमाटर पहले से ही कद्दूकस कर रखा है और एक टमाटर और कद्दूकस करूंगी, तो लगभग हमें इसमें दो टमाटर कद्दूकस कर लेने हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे और जो उसके छिलके हैं वो निकाल देना है। हाँ, अब आप कहोगे कि ऐसे पीस सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी मत पीसना, आप सिर्फ इसे कद्दूकस करना। कद्दूकस करने के बाद बहुत ही बढ़िया वाला फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो देखिए मेरे दोनों टमाटर कद्दूकस हो चुके हैं, अब मैं इसे करूँगी साइड में। और देखिए मैंने 3 से 4 घंटे के लिए ये मिर्ची भिगो के रखी थी, लगभग 8 से 10 मिर्ची है ये, और इसे मैंने अच्छे से भिगो के रखी थी। अब मैं इसकी जो डंडिया होती है ना साइड वाली, ये डंडिया निकाल दूंगी। ये देखिए ऐसे हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए मैंने सारी डंडियां निकाल दी हैं इसकी, और पानी इसका फेंक देंगे। और अब मैंने लिया है एक प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप कर रखा है इसे, ये देखिए इस तरीके से। और मैंने ली है 1 चम्मच है ये साबुत धनिया, साथ ही मैंने लिया है 2 चम्मच दही, आप इसकी जगह छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मट्ठा छाछ। और 1 नींबू लिया है, नींबू को अच्छे से हमें पहले रब कर लेना है ताकि इसका जो रस है वो अच्छे से आ जाए, फिर से काट के रख लेंगे। इसका इस्तेमाल कब करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। साथ ही देखिए मैंने 3 लहसुन साबुत लिए थे, उनके छिलके उतार लिए हैं। और एक कढ़ाई में मैं डालूंगी तेल, लगभग 3 से 4 चम्मच, और जैसे ही हमारा तेल पक जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, और प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ये देखिए जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। और चलिए जब तक हमारा प्याज भुनेगा जब तक हम इसमें लहसुन मिर्ची और धनिया, साथ ही 2 चम्मच दही डालेंगे। थोड़ी सी धनिया मैंने बचा ली है, वो मैं कब इस्तेमाल करूंगी मैं आपको बताऊंगी। लगभग 1 से 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही। इन्हें अच्छे से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। आप चाहो तो मिक्सी में पीस लीजिए, चाहे आप सिलबट्टे पे पीस लीजिए, बट थोड़ा सा दरदरा हमें रखना है, बिल्कुल बढ़िया वाला पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल फाइन वाला, हल्का सा मोटा मोटा रखना है। देख रहे ना आप, ऐसे जैसे ढक्कन में लगा हुआ है। ये देखिए प्याज हमारी काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसमें टमाटर डाल देंगे अपने जो हमने कद्दूकस करके रखे थे, और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को भी बढ़िया तरीके से भूनना है हमें। गैस का फ्लेम थोड़ा सा मैं तेज़ कर दूंगी क्योंकि अभी मैं स्लो करके चली गई थी ना प्याज को भूनने के लिए। अब गैस को हम तेज करके बनाएंगे, पकाएंगे इसमें टमाटर को। चलिए टमाटर के साथ साथ मैं सारे जो मसाले मैंने भुने हैं ना, मिर्ची लहसुन जो पीसे हैं मिक्सी में, मिर्ची लहसुन धनिया, ये हम इसमें डाल देंगे, इसका पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसमें पकने देंगे। अब हम इसे इसमें जब तक पकने देंगे जब तक कि ये काफ़ी अच्छे से भुन ना जाए, और जो ये देख रहे हो टमाटर का पानी, ये टमाटर का पानी सूख जाए अच्छे से। चलिए अब मैं इसमें डालूंगी दही, दही के साथ ही हमें इसे भूनना है, साथ ही लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची है ताकि कलर अच्छा आए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लाल मिर्ची आपने देखी है वो तीखी होती है सूखी लाल मिर्ची, तो हम सिर्फ कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्ची जो होती है वो कभी तीखी नहीं होती है, बस वो अच्छा कलर देती है। तो आप देखेंगे जब इस तरीके से इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और ये सूखने लगी है, जो टमाटर का पानी है उसे हमें अच्छे से सुखा लेना है, अच्छे से खत्म कर देना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नींबू, तो 1 नींबू का रस मैं इसमें डालूंगी ताकि थोड़ा सा खट्टा वाला फ्लेवर आ जाए। इसे भी अच्छे से इसमें
भूनेंगे, मिक्स करेंगे। चटनी को आपको जब तक बनानी है जब तक आपकी चटनी बिल्कुल सूख ना जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी, वो जो हमने बचाया था ना धनिया, आधी चम्मच सूखा धनिया वो डाल देंगे, साथ ही इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। अभी आप जाइए मत, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, वो चीज़ है कि जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और रेसिपी को लाइक कर देना अगर आपको बहुत पसंद आ जाए तो, शेयर कर देना। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाऊंगी। अब आप इसका टेक्सचर देखना कितना बढ़िया और खाने में तो बिल्कुल लाजवाब बना था। आप इसे एक हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, ये खराब भी नहीं होती है। आप चाहे ज़्यादा बना लीजिए और इसे एक हफ्ते तक खा सकते हैं आराम से। ये देख रहे हैं ना, देखने में कितनी बढ़िया है, मैंने सारा पानी सुखा दिया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, भूलना नहीं। बाय बाय।